इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अनन्या सीड्स। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, यूरिया, डीएपी, एमओपी, सुपर फास्फेट, इंडोसल्फान, इन सभी नामों से तो आप भली भांति परिचित हैं। मतलब खेतों में पैसा पानी की तरह बहाना अब किसानों की आदत बन चुकी है, या यूं कहें कि मजबूरी बन चुकी है। एक तरफ तो इतने महंगे महंगे रासायनिक खाद, और ऊपर से जिन खेतों में इन रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ फसलों में कीट और बीमारियाँ भी बहुत लगती हैं। रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब इनकी वजह से भूमि दम तोड़ने लगती है और पर्यावरण जहरीला हो जाता है, और इनसे उपजे उत्पाद खाकर सिर्फ किसान या उसका परिवार ही नहीं बल्कि तमाम इंसान ऐसी ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जिन बीमारियों के शायद पहले कभी नाम भी ना सुने गए हों। तो दोस्तों, रासायनिक खेती को छोड़ अपनाएं ऑर्गेनिक या फिर वैदिक खेती को। दोस्तों, वैसे तो ऑर्गेनिक खेती आजकल कई तरह से की जा रही है जिनके उत्पाद 100% शुद्ध ही होते हैं, लेकिन कृषि लागत कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्यों ना ऐसी विधि अपनाई जाए जिसमें खर्च ना के बराबर हो। ना के बराबर भी इसलिए क्योंकि आपको जब आप पहली बार खेती करने जा रहे हैं तो देसी बीज खरीदने पड़ेंगे। ये बीज आपको बार बार नहीं खरीदने पड़ेंगे जैसा कि अक्सर हाइब्रिड में होता है। देखिए, आपके पास पशु तो है ही, जिसमें गाय, बैल, भैंस, कोई भी पशु सिवाय HF और जर्सी गाय के, उनसे देसी खाद तैयार करें। और अभी हम आपको बता रहे हैं एक एकड़ खेत के लिए आप खाद कैसे तैयार करें। इसके लिए आपको 15 किलोग्राम गोबर, 15 लीटर उपलब्ध पशु का मूत्र, 1 किलोग्राम पुराना गुड़, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का आटा या फिर चोकर आप ले सकते हैं, 1 किलोग्राम पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी। अब इसे बनाने की विधि क्या है ये भी देख लीजिए। गोबर व गोमूत्र को अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद इसमें बाकी की सारी सामग्री को मिला दीजिए और मिला करके 15 दिन के लिए इसे किसी छायादार स्थान पर रख दीजिए। 15 दिनों बाद जब ये खाद बनकर तैयार हो जाएगी तो इसमें 200 लीटर पानी अच्छी तरह से मिलाकर खाली खेत में या फिर खड़ी फसल में इसका छिड़काव करें, और ये छिड़काव हर 21वें दिन पर करें। दोस्तों, ये खाद रासायनिक खाद से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसी भी फसल को लगाने के लिए जैसे आप बीज को उपचारित करते हैं उसी तरह से इसमें बीज को संस्कारित किया जाता है। अब इसके लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी वो भी नोट कर लीजिए। इसमें आपको 1 किलो गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, 100 ग्राम चूना, ये ठंडा होने के बाद, यानी जब आप इसे पानी में भिगोकर रख देंगे और जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आप इसे इस्तेमाल करें। बुआई से 2 दिन पहले दी गई सामग्री का घोल बनाकर इसमें रात के समय 1 किलोग्राम बीज भिगोकर रख दें। सुबह इसे निकालकर छाया में सुखा लें। बीज की मात्रा अगर ज्यादा है तो गोबर, उपलब्ध पशु का मूत्र और चूने की मात्रा भी उसी हिसाब से बढ़ाते जाएं। इस तरह से बीज को जब आप उपचारित कर लेंगे तो इसमें किसी भी तरह की बीमारी या फिर कीट आदि नहीं लगेंगे। आप इस तरह से बीज तैयार करके बेच भी सकते हैं। अब बात कीट व बीमारियों से बचाव की। दोस्तों, वैसे तो इस तरह की फसल में कीट व बीमारियों का प्रकोप बेहद कम होता है, लेकिन अक्सर जब आपके आसपास वाले किसान रासायनिक खेती करते हैं तो उनके खेतों से अक्सर कीट पतंगे या फिर बीमारियां आपके खेतों में आ ही जाते हैं। तो ऐसे में अपनी फसल को कैसे बचाएं? चलिए इसकी तरकीब भी आपको बताए देते हैं। इसके लिए सामग्री नोट कर लीजिए। 20 लीटर उपलब्ध पशु का मूत्र, ध्यान रहे कि इसमें HF व जर्सी गाय का किसी भी प्रकार का कोई भी उत्पाद इस्तेमाल ना करें। दूसरी सामग्री इसमें है 2 से 2.5 किलोग्राम नीम की पत्ती, 2 से 2.5 किलोग्राम सीताफल की पत्ती, 2 से 2.5 किलोग्राम आंकड़े की पत्ती, 2.5 से 3 किलोग्राम तंबाकू, 0.5 किलोग्राम मिर्च और 0.5 किलोग्राम लहसुन। ये है आपकी सामग्री। अब देख लेते हैं कि इस दवा को बनाने की विधि क्या है। दी गई सामग्री को एक साथ मिलाकर उबाल लें और इसे ठंडा होने पर
200 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित फसल पर इसका छिड़काव करें। इस दवा को बनाकर आप 3 महीने तक रख भी सकते हैं, यानी जब जब आपको जरूरत हो तब तब आप इसका छिड़काव करें और चाहें तो इस दवा को बनाकर बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप खेती करेंगे तो आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उत्पाद भी 100% सुरक्षित होंगे।